हाय फ्रेंड्स so, आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं हूं आपका होस्ट आपका मेंटर सी एम ए रोहन शर्मा और यहां पे मेरे साथ है रवि ठाकुर रवि बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करते हैं और सी एम ए कैंपस में सीटको में इनका सिलेक्शन हुआ है एज ए फंड एंड अप्रॉक्स एट एल पी ए का पैकेज इन्हें ऑफर मिला है तो हम सुनते हैं लाइक like, रवि की जर्नी और सबसे पहली बात तो कैंपस से ऑफर लेने के बाद इनका एक्सप्रेशन कैसा था बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि आपने बहुत ही हेल्प किया मेरे मेरा दो कंपनी में आया था फर्स्ट कलपोतरू और एक सिक्को में कलपतरु में बहुत सारा प्रिपरेशन लेके गए थे ऐसे वैसे करके लेकिन कुछ माइनर चीज़ के वजह से वो क्रैक नहीं हो पाया और सिटको का जब मुझे मेल आया था मैंने आपको बताया था और आपने बताया भी था कौन कौन से पॉइंट तैयार करके जाने हैं तो मैंने सब कुछ तैयार भी किया था लेकिन इंटरव्यू टाइम पर क्या जब मैं रास्ते में था तो अच्छा? मुझे एक बगल वाले दुकान में बैठ के <laughs> <laughs> रोड साइड पे इंटरव्यू देना पड़ था तो बहुत ही रोमांचकर बोल सकते हैं उसका राइट 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 सो आफ्टर दैट जब आपको पता चला कि यार आपका सिलेक्शन हो चुका है सीट को में सो so लाइक like, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए आपको फील हो रहा था विश्वास हो रहा था खुद के ऊपर रिलीफ वाला मोमेंट था सर बहुत ही खोज-खोज चल रहा था पूरा कैंपसिंग का महीना आपके क्लास भी कर रहे थे उसके साथ जो फार्म में काम था वो भी चल रहा था तो अच्छा मोमेंट था था मतलब वो मिनट्स एकदम सुकून वाला टाइम ओके ग्रेट 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 घर में भी सब लोग खुश है सो so, अच्छा बेसिकली आपने अप्रोक्स टू मंथ का ड्यूरेशन आपने मेरे साथ अपना इन्वेस्ट किया लाइक अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और... तो आपको कैसी लगी मेरी मेंटरशिप बहुत ही लाजवाब एक शब्द में बोले तो अः क्योंकि आपने वो वो एस्पेक्ट हम लोग के सामने रखा जो हम लोग की बुक में नहीं था बुक में हम लोगों से बुकिश नॉलेज मिला लेकिन उसको पोर्ट्रे कैसे करना है लोगों के सामने अगर वो क्वेश्चन करे तो उनको समझाना कैसे है उनको जैसे आप बता रहे थे कि हर क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल सेट करके रखना आंसर के साथ साथ एग्जाम्पल भी देना तो उन लोगों को भी समझ में तो उन लोगों को भी आसानी होगी समझने में तो ये सब छोटी छोटी चीज अपने बारे में बताना दो मिनट तक

क्या लिखा हुआ है ठीक है आपने जो एक लिखा हुआ था व्हाट इज अकाउंटेंसी वो वाला एग्जाम वा, मतलब आंसर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अकाउंटेंसी जैसे डायरी जिसमें सिर्फ एक्सपेंस प्रॉफिट uh, ये वाला मतलब बहुत ही सिंपल वे में और शॉर्ट जो याद रहता है तो मटेरियल तो खास करके वो कॉस्टिंग का मटेरियल वो तो लाजवाब है तो, मुझे बहुत हेल्प मिला उससे ग्रेट, ग्रेट ग्रेट अच्छा लाइक जिस दिन आपका रिजल्ट आया जब आप सीए में क्वालिफाई किए उस समय भी आपको जैसे आपने रिजल्ट देखा होगा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ आया होगा सबसे बड़े वर्ड्स में तो लाइक वो फीलिंग वो फीलिंग कैसी थी आपके लिए वो फीलिंग तो मतलब अनरियल थी सबसे पहली बात तो और हम लोगों का ये दो टर्म से हो रहा था कि सुबह को रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था तो नींद से उठ के फोन के स्क्रीन में एकदम छोटा सा बेजिकल सब वो कलरफुल वार्ड देख के तो बहुत ही सुकून मिलता मिला था सर और वो टेन फिफ्टीन मिनट्स आई तो मतलब मुझे अभी जन्म तक याद रहेगा लेकिन वो टेन मिनट्स मतलब आंखों के सामने सब कुछ आ रहा था कि इंटर में कैसे किया था फाइनल में कैसे किया था मेरी माँ मेरे साथ जगी हुई थी रात भर तो, तो, तो एकदम अनरियल फीलिंग थी सर या तो वो तो, तो होता है लाइक पूरा पूरी लाइफ की जर्नी रिवाइन हो जाती है यार कि हम सोचे थे हमने किया और आती है। अच्छा, आपके सीमे में, में था सारी चीजें नहीं सर मेरे सीमें में लगे हैं।, अच्छा, लगे हैं तो लाइक जैसे आपके अटेम्प लगे तो फिर कहीं ना कहीं ये माइंड में डाउट था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या फिर कोई डाउट नहीं था ऐसा पहले पहले में जब इंटर में था तो इतना सब कुछ कैंपसिंग वगैरह के बारे में उतना पता भी नहीं था और किसी से पूछा भी नहीं था तो तब लगता था कि यार अटेम्प्ट में तो मतलब गया एक अटेम्प्ट लग गया तो मेरा हो गया खत्म और मेरा अटेम्प्ट भी बहुत बुरी तरीके से लगा था मेरा फर्स्ट मैं जब ग्रुप वन दिया था इंटरमीडिएट का आई गॉट टू थर्टी सिक्स बट में लॉ में थर्टी नाइन मिला था मुझे ओके। एक मार्क्स से मेरा अटेम्प्ट लग गया था ठीक है <laughs> तो बहुत ही बुरा समय था वो उसके बाद बोध ग्रुप क्लियर किया था फिर जब फाइनल में आया तब पता चला कि अटेम्प्ट मैटर तो करता है मतलब कैंपसिंग फर्स्ट फर्स्ट डे डे या में जो अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं वो uh, रैंक होल्डर्स लेकिन उसके बाद जब वो फेज खत्म हो जाता है तो सब इक्वल है वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग एग्जाम लेते हैं और उसके ऊपर उसके बेसिस में वो लोग सिलेक्ट करते हैं फॉर्म तो, right. अच्छा, से, से? से किया था एक ओके सेंस लाइक बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम फॉर्म में कितने दिन के लिए इंटर्नशिप करें या फिर हम में किस तरीके से किस फील्ड में इंटर्नशिप करने को ऊपर देना चाहिए तो जो आपका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से आपको क्या लगता है को किस फील्ड में ज्यादा इंटर्नशिप में जाना चाहिए फील्ड तो देखिए सर जो जिसका पसंद है पसंदीदा फील्ड वो वो चूज़ कर सकता है हर एक फील्ड में भी एक मतलब यूनिक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा सबको जैसे मैंने कॉस्ट्रूम चूज़ किया था वहाँ पे मुझे पहले छह महीने में बेसिक जो चीज़ें होते हैं मतलब आई वगैरह उसके बाद टैक्स ऑडिट का भी टाइम आ गया था वो थ्री सी ये सब मुझे द, पता चल गया था उसके बाद आया ऑडिट का टाइम Yeah. Uh, मैंने अपने सर के साथ या टीम के साथ घाटशिला में विजिट किया था फिर मलंजखंड में विजिट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के लिए भी वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहता है मतलब लोगों को जानने मिल रहा है सीखने मिलता है और उसके बाद इंटरनल ऑडिट भी किया है मैंने तो मतलब yeah. काफी सारा नॉलेज गैदर किया है और ड्यूरेशन भी जो था हमारे इंस्टीट्यूट ने छः महीने से पंद्रह महीना कर दिया है तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही मुझे लगता है तो अच्छा था सब कुछ

इंडियन क्रिकेटर इमिज को उनका एक बहुत ही अच्छा वीडियो था जिसमें वो बोल रहे थे कि प्रोसेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट देन द रिजल्ट प्रोसेस अगर आप प्रोसेस में ध्यान दोगे तो वो प्रोसेस खुद खुद ब खुद आपको रिजल्ट लाकर देगी नहीं। तो आई पिक्ड अप दैट पॉइंट एंड मैंने सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया था क्या क्वेश्चन आएगा कहां पे सीट पड़ेगा कैसा डिफिकल्टीज आएगा वो सब मैंने एक साइड में किया था मैंने सिर्फ अपने ए, आठ जो सब्जेक्ट थे जैसे कि मुझे लॉ में एक मार्क्स कम मिला था तो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने लॉ में ही दिया था और उसके बाद जो बाकी सात सब्जेक्ट थे वो मैंने ड्यूरेशन करके मतलब छह महीने या सात महीने के अंदर रिवाइज चालू कर दिया था घर में एग्जाम मॉक टेस्ट वगैरह वो सब दिया था तो जाके, जाके, जाके मुझे एग्ज़ाम हॉल में जाके मतलब मैं घबरा ना जाऊं इसीलिए घर में ही मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया और

नहीं सॉरी ग्रुप फर्स्ट सेकेंड अटैम्प में होता था ग्रुप सेकेंड फाइनल का मेरा फर्स्ट अटैम्प में हो गया था और लाइक जैसे मैंने बोथ ग्रुप दिया था तो मेरे भी चार सौ बाईस नंबर आए थे लेकिन लॉ के पे नहीं लॉ हाँ लॉ नहीं एस एफ एम सॉरी एस एफ एम मेरा थर्टी थ्री आ गया था, था। तो गया। वो थोड़ा सा लैक ऑफ प्रैक्टिस था आ, सो कहीं ना कहीं चीजें हो जाती मिस्टेक और दूसरी मिस्टेक मेरे से हुई पेपर में पेपर में जो क्वेश्चन नहीं आता था वो लगा मुझे कि मुझे आता है मैं बना लूंगा और इस सोच में वो पोर्टफोलियो का क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाया एंड वो टाइम चला जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने मिस्टेक से दूसरे को सिखा सकते हैं कि ये मिस्टेक आप मत करना अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में कंप्लीट करो नहीं तो लास्ट में क्या होगा टाइम की कमी की वजह से जो मुझे आता भी था वो भी मैं सही नहीं कर पाया वो भी नहीं आएगा तो ये चीजें हो जाती है ठीक है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ की हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है अपनी जर्नी से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपने अपने में challenges भी फेस किए स्ट्रगल भी था अभी सक्सेस भी है ठीक है तो ओवरऑल आप लाइक स्टूडेंट्स को क्या अपने के से क्या motivation देना चाहते हो आप मोटिवेशन तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मेरा ना बीकॉम में सेकेंड ईयर में कॉस्ट मैं सब्जेक्ट मैं में मुझे supply मिला था ठीक है

और आप स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहोगे की सीएमए कोर्स उनको करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं डाउट को लेकर सर क्या मैं सीएमए कोर्स करूँ या ना करूँ नहीं सर सीएम कोर्स करना चाहिए और मुझे भी ये वाला ये वाला चीज फेस करने को मिलता है जब भी मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं सीएमए किया हूँ तो वो सबसे पहला क्वेश्चन याद है कौन सी इंस्टीट्यूट से किया कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हूं? तो लोगों को बुरा भी लगता है कि मतलब हम सी स्टूडेंट्स को भी बुरा लगता है कि लोगों को पता नहीं है ये तो मुझे ये पॉजिटिव पॉइंट लगता है जितना कम जानोगे उतना ज्यादा मानोगे ठीक है तो मुझे लगता है कि इसको हिडन जिम हिडन जिम ही रहने दो अगर आपको पता चला है तो आप इसको परसू करो ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगी लाइफ में एज मैंने तो अभी शुरू ही किया है तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस फॉर करियर

तो लाइक ये मेरा मिशन है और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ट्राई करो जितनी चीजें आपको आती है आप किसी को सिखा सकते हो बता सकते हो तो ट्राई करो शेयर करने से आपको और आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी होगी उन टॉपिक्स के ऊपर और आप और ज्यादा ग्रो करोगे सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी और रॉकेट योर फ्यूचर थैंक यू सर ओके ओके बाय 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 टेक केयर